हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क में नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने भी प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं से डरकर केंद्र सरकार ऐसे पैतरे आजमा रही है। विधायक सुमित्र देश ने कहा कि केंद्र सरकार हर वह दमनकारी कदम उठा रही है जो एक तानाशाही सरकार उठाती है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का बराबर महत्व है और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को जगाने का काम करता है, जनता की आवाज बनने का काम करता है। और जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया है संसद के अंदर पहली बार देखा गया, और लोकसभा में विपक्ष की आवाज अधीर रंजन चौधरी जी की सदस्यता को निलंबित करने का काम किया कि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने क्या अमर्यादित टिप्पणी करी? उनसे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी तो स्मृति ईरानी जी ने किया, सारी सीमाएं पार कर दी एक महिला होने के नाते क्या क्या शब्द बोले। और जब लोकसभा स्पीकर ने संसद की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी के शब्दों को हटा लिया तो निलंबन किस बात का? तो ये दिखाता है कि सरकार गैर जिम्मेदार हो गई है और पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर आशा के साथ संसद की तरफ देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। हम तो जानते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमने तो विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले, जिम्मेदारी भरा बयान दें, मणिपुर के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएं। मगर आपने नमक छिड़कने का काम किया और डेढ़ घंटा, दो घंटे में से डेढ़ घंटा जब हम लोगों ने बहिर्गमन कर दिया, इस हद हो गई कि हमें बहिर्गमन करना पड़ा, डेढ़ घंटा आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। तो देश के लोकतंत्र में पहली बार संसद में देखा गया कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, उसे जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज केंद्र सरकार का यह पुतला दहन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा फैली है और हमारे जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इस बात पे वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने जो, और जिस तरह से देश में इतना नेगेटिविटी फैली हुई है, उनका बोलना सर बनता है। और हमारे जो हमारे हमारे जो नेता है विपक्ष के, उन्होंने सदस्यता भी हटा दी है उनके, उनको निलंबित कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पूरी मनमानी हमारे देश में उनकी चल रही है भाजपा सरकार की। इसलिए आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ हल्द्वानी में इसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा विरोध इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में नेगेटिविटी का माहौल फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जातिवाद और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, उस पर भाजपा सरकार एक्शन ले और अपनी जो जो उनकी एक नीति है हमेशा जिस तरह से वो देश को बांटने का काम करते हैं और उसके बदौलत वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, तो उसको वो सुधारे और हमारे देश हमेशा जिस तरह से हमारे देश को जाना जाता है, जो एक हमेशा सब मिलजुल कर रहते हैं, उसको कायम रहने दें और इस पे अपनी मणिपुर की हिंसा के लिए आगे आके कुछ बोले। बात करी राहुल गांधी जी ने, अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होके भूकंप आ गया, संसद की कार्यवाही म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनंद फानंद में निकाल दिया जाता है उनको संसद से। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत विशेष गहराई से दिल की आभार करते हैं कि उन्होंने संविधान का संरक्षण करा और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दे रहे, तो इनको क्या लग रहा है इनके निलंबन से? और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे, मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं एक शब्द नहीं बोलते सदन में अपने राज्य में जो उनकी हिंसा हो रही है। अरे दम होता, आत्मा जागी होती तो वही दो खड़े होके बात रखते, वास्तविकता रखते देश के सामने। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये गुलामी करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। चाहते हैं कि चाहे देश की जनता हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, एक गुलामी चाल से, गुलाम की सोच से चले। और आजाद भारत की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने सबसे बड़े बलिदान दिए वो हमारे पूर्वज थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हमारी सोच हमेशा यह है कि बलिदान चाहे कितना बड़ा देना हो, देश की आजादी की लड़ाई, देश के संविधान का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है।